बड़ी खबर आ रही है चीन से, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले चुके चीन के अंदर 20वीं कांग्रेस शुरू हो गई है, यानी वहां की एक कॉन्फ्रेंस होती है 5 सालों बाद, ये हर बार होती है। चीनी सदर शी जिनपिंग तीसरी मरतबा अपनी मुद्दत का आगाज करने की तैयारी में है, क्योंकि ऐसा पहली मरतबा होगा जब कम्युनिस्ट पार्टी की जो कांग्रेस की 20वीं कांग्रेस की जो तैयारी थी उस मौके पर तीसरी मरतबा किसी सदर की हैसियत से शी जिनपिंग इक्तदार संभालेंगे। 2012 के बाद मुसलसल चीन के अंदर जिम्मेदारी संभाले हैं और आज एक नई जिम्मेदारी वो संभालने जा रहे हैं थोड़ी देर बाद। जहां नाजरीन ने बात करेंगे, जहां आज शी जिनपिंग बाज़ाब्ता तौर पर तीसरी बार जो है सदर बनने की तैयारी कर रहे हैं और इस सिलसिले में वहां पर तैयारियां की जा रही हैं, जहां पर चीन के हर सूबे से तकरीबन 2300 मंदुबेन को आज बीजिंग के लिए वो आज इस तकरीब में शामिल होंगे। बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तैयारियां जो है मुकम्मल हो चुकी हैं और तकरीबन 10 बजे के करीब इसकी इब्तदाई तकरीब होगी। इब्तदाई तकरीब के दौरान शी जिनपिंग जो है वो खुताबी करेंगे, जहां पर 2300 मंदुबेन मुख्तलिफ सूबों, जो हर एक सूबा चीन का है, वहां से हर एक को वहां पर इस चलिए खबर हम आपको चीन से बता रहे हैं, जहां पर शी जिनपिंग ने आपसे थोड़ी देर पहले खिताब किया है। 20वीं कांग्रेस है और कम्युनिस्ट पार्टी जिसका बड़ा रोल चीन की सियासत में रहता है, और आज की जो 20वीं कांग्रेस है, हर 5 वर्ष बाद ये प्रोग्राम होता है। इस कॉन्फ्रेंस के बाद दुनिया भर की नजरें चीन पर सिर्फ इसलिए नहीं है कि चीन का आगे का जो 5 साल का क्या सिस्टम रहने वाला है, कैसे पूरा निजाम चलेगा, बल्कि पड़ोसी मालिक पर भी नजर है कि खित्ते के अंदर जो सलामती है, अमन है, या फिर जो स्ट्रेटेजिक टाइज हैं एक दूसरे के साथ, और एक तरह की कशीदगी भारत के साथ सरहदों पर, उन तमाम चीजों पर भी ये फैसले किस तरीके से असरअंदाज होंगे, ये कुछ बड़े सवालात हैं। दुनिया भर से जो मंदुबीन है वो यहां पर पहुंचे थे, इस बार भी हैं, और इस प्रोग्राम का हिसाब से थोड़ी देर पहले चूंकि खुद उनने इफ्तिताह किया है, और कम्युनिस्ट पार्टी का जो चीफ होता है वो एक बड़ी जिम्मेदारी उसकी मानी जाती है जो फैसले लेने के इख्तियारात रखता है, और 2012 में जब पहली बार शी जिनपिंग ने इक्तदार संभाला था तो उनकी टर्म ज्यादा से ज्यादा 2 साल हो सकती थी वहां के कानून के मुताबिक, लेकिन इस बार जो एक्सटेंशन उन्हें मिलने जा रही है, और खबर है चीनी मीडिया के हवाले से कि लगभग उन्होंने अब इक्तदार एक तरह से संभाल ही लिया है। रहमत कलीम हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए हैं। रहमत, क्या जानकारी मिल रही है बीजिंग के अंदर, क्या हलचल हुई है, और ये जो फैसले अभी हो रहे हैं, खबर है कि तीसरी मरतबा वो एक बार फिर कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं शी जिनपिंग के बैठने से, आसपास पड़ोसी ममालिक में या अमेरिका तक भी इसकी कुछ भनक सुनाई देगी, या इस बार कुछ वही पुराना सिस्टम चलने वाला है? जी जाहिर सी बात है, जिस तरह के फैसले लिए गए हैं कम्युनिस्ट पार्टी की जाने से, दरअसल फैसला इसीलिए लिया गया है कि जो खित्ते की सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में अभी चीन फंसा हुआ है, चाहे वो हांगकांग का मामला हो या ताइवान का मामला हो, हिंदुस्तान के साथ रिश्ते हो या अमेरिका के साथ टकराव हो, इन तमाम सूरत हाल में जिस तरह से चीन फंसा हुआ है उसमें अभी तक के जिस लीडर ने आगे बढ़ करके चीन को संभाला है या चीन को डिफेंड किया है या चीन को आगे बढ़ाया है, और उसमें शी जिनपिंग का नाम सबसे आगे है, और शी जिनपिंग ने एक होशियारी ये भी की कि कम्युनिस्ट पार्टी में अपने बराबर में किसी को होने आने नहीं दिया, अपने बराबर में किसी ऐसे लीडर को आने नहीं दिया जो आइंदा चल करके उनका या फिर उनके मुकाबले में आ सके या फिर उनके बराबर में आ सके, तो ऐसा कोई चेहरा था भी नहीं कम्युनिस्ट पार्टी के सामने इस वक्त। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी ने न चाहते हुए दोनों मजबूरियों को देखते हुए, एक तो ऐसा कोई कद्दावर लीडर, ऐसा कोई ऐसी कोई शख्सियत, ऐसा कोई नेता जो चीन को उसी अंदाज में जिस आगे ले जाए जिस अंदाज में शी जिनपिंग अब तक के ले जाते रहे हैं, और दूसरा ये कि जो सिचुएशन है, जो सिनेरियो है, इस सिचुएशन को देखते हुए बाज़ाब्ता तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से जो फैसला किया गया है वो शी जिनपिंग के हक में है। हमने देखा कि जैसे ही ये खबर मिली और फैसला हो गया पार्टी की जानिब से कि अगले 5 साल 2027 तक के करीब करीब चीन की क्यादत करेंगे कम्युनिस्ट पार्टी की रहनुमा के तौर पर, तो वैसे ही जब आज इफ्तिताही खिताब हो रहा था, इफ्तिताही खिताब में हमने पहला जो 1 मिनट के उनके भाषण का आगाज जहां से होता है, 1 मिनट देखिए तो उसी में हांगकांग और ताइवान का जिक्र आ जाता है। जाहिर सी बात है जिस मुद्दे पर इस वक्त चीन फंसा हुआ है उसमें अगर कोई आगे ले जा सकता है, इसी कश्ती को आगे कोई साहिल तक ले जा सकता है, तो वो शी जिनपिंग ही है, और इस भरोसे के तहत बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें 5 साल का एक्सटेंशन दिया जा रहा है, और 5 साल तक के बाज़ाब्ता तौर पर जो उन्होंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी कहा कि आने वाला 5 साल जो सोशल वेलफेयर के सोसाइटी के हिसाब से जो कल्चर जो
चेंजिंग आ रही है, जिस तरह से ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है, इस ऑर्डर को चेंज करने के दौरान चीन का रोल अहम होने वाला है और इसमें चीन अपनी भूमिका निभाता नजर आएगा। साथ ही साथ हांगकांग पर बात कर दी।